गोपाल सिंह एक रिटायर्ड अध्यापक है। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह उसे पाला और उसका नाम रख दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना ही सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वह पड़ोसन बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी किन ख्यालों में पड़ी है, मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलट कर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते पहली मंजिल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू ओढ़े उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जैसे जिंदगी ने अलविदा कह दिया हो। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने झुककर अपने घर की दहलीज को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहलीज पर डाल दी जिसको गोपाल जी चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। दोबारा टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बह जा रही थी। जब तक गोपाल जी के बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000, हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते हंसते उड़ा दिया करते थे। एक बार आप गोपाल जी की जगह पर स्वयं को रख कर देखो। कल्पना करो कि इस कहानी में गोपाल जी का किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगी। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया है। तेरे लिए अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, राजा रंक, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लिया कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब है। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है, मोक्ष का द्वार कर्म है, यही सत्य है।